हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट को अपन जान लिया था पहले कि किसी लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो ही सेम डेफिनेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज एन द अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट व्हिच इज द फॉलो बाय ईच पॉइंट ऑफ दैट लाइन, ठीक है? यानी क्या है गिवन आपको कि किसी इक्वेशन की लाइन, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के हर पॉइंट, जो वेरिएबल है उनके हर पॉइंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल में लेना चाहूं कि y इक्वल टू कोई इक्वेशन ले लू मैं, कुछ भी ले लो, ये लीजिए, ये टू वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ में डिस्कस करूं तो ये आपकी एक्स एक्स डैश, ये आपका ओरिजिन पॉइंट, और ये वाई और वाई डैश। इसका ग्राफ बनाओ तो यहां पे इंटरसेप्ट यानी सी का मान क्या है? जीरो है। सी की वैल्यू कितनी है? जीरो। जिसमें कांस्टेंट वैल्यू जीरो होती है वो कहां से पास करेगा? ओरिजिन पॉइंट से। ग्राफ बना के देख लेना आप, जैसे कि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 4 आ जाएगी, इसकी 3 पुट कर दूं तो ये मैं 2 ले लेता हूं, ये मैं 4 ले लेता हूं, और ये 6 ले लेता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आपका ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। इनको आप ज्वाइन करवाओगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी इस टाइप से एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर यहां की मैं बात करूं तो ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर इसकी मैं बात करूं तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना? यहां पे ले लेता हूं मैं, ये लीजिए, ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू किस लाइन किसकी है? y इक्वल टू 2x इक्वेशन की लाइन है, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये हर पॉइंट इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं इसमें, ठीक है? तो ये इसका कंसेप्ट है। फिर मैं बात करूं इसमें फर्स्ट की, कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की, कि एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस है तो इसमें हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होगी, और ये क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है? इसमें सेकंड पॉइंट की बात करूं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो इस लाइन के ऊपर हमेशा x की वैल्यू जीरो होगी, तो ये इस x यानी y एक्सिस की क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। फिर इसी में मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो देखो, थर्ड पॉइंट की बात मैं यहां पे ना करके यहां पे कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सपोज ये आपका ग्राफ है और वाई एक्सिस आपकी ये लाइन होगी वाई वाई डैश, और ये आपका एक्स डैश और एक्स, ठीक है? वाई एक्सिस की पैरेलल है, सपोज ये लाइन एस है, यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ए ले लेता हूं, और ये आपकी दूसरी लाइन है, इसकी डिस्टेंस आपकी ए हो गई लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसकी जनरल फॉर्म यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू ए, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है? फिर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो फोर्थ पॉइंट को देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले वाई एक्सिस था अब एक्स एक्सिस ले लीजिए, ठीक है? तो इसके लिए देखिए, एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन ये हो गई, और ये डायरेक्शन कितनी हो गई? ए हो गई, और ये इस नीचे की तरफ हो गई, तो इसकी डायरेक्शन भी कितनी हो गई? ए हो गई। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल टू ए।
वाई, वाई है ना, वाई इक्वल टू है और इसकी क्या होगी, वाई इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो ऊपर के लिए तो ये हो जाएगी वाई इक्वल टू ए, और नीचे की मैं बात करूं तो y इक्वल टू माइनस है, ये इनकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी में अपन नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या आएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की मैं बात करूं तो ग्राफ देखिए सबसे पहले, सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन इसमें यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ए, एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन, तो इसका पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस लाइन का मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो स्लोप का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो देखो इक्वेशन क्या मिली, एम इक्वल टू वाई टू यानी वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन, ये होगा। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा देखो, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। आप इनका स्लोप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स से भी, ठीक है ना। सेम इक्वेशन आएगी, किसी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो उसी में आ जाएगी। अब देखना ध्यान से, मान लीजिए आपको किसी पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो पॉइंट यहां पे पुट होगा, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट आपका ये है, ये यहां पे एक्स वन है, ठीक है। तो स्लोप पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर पासिंग पॉइंट से अपन निकाल देंगे। क्वेश्चन दिए हुए कि एक स्लोप दे दिए और पॉइंट, इस पॉइंट से ये लाइन पासिंग कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आएगी टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। तो टू पॉइंट देखो, मान लीजिए एक लाइन है ये, यहां पे पॉइंट आपका पी एक्स कोमा वाई, और फिर पॉइंट आपका ए एक्स वन कोमा वाई वन, फिर पॉइंट आपका बी एक्स टू कोमा वाई टू, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस बात की इक्वेशन क्या होगी वो देखो। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो कोलिनियर हो जाएंगे, तो कोलिनियर का स्लोप क्या होगा देखो, स्लोप ऑफ लाइन पी ए इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये होगा, ठीक है ना। तीन पॉइंट एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो इस इतने का स्लोप इक्वल होगा इसके स्लोप के, तो मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करूं तो कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यही होगा। इसका स्लोप फाइंड आउट करूं तो कितना होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यह आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप ही तो है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 टू माइनस एक्स वन इंटू में, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस एक्स वन, ये आपकी टू स्लोप यानी टू पॉइंट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है।
फिर अपन नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर मैं कह सकता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट का हिंदी में मीनिंग होता है अंतखंड। ठीक है, ग्राफ देखिए पहले तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सपोज ये लाइन आपकी, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में a इक्वल टू, ये इतना इंटरसेप्ट ले लेता हूं मैं c, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, देखो y एक्सिस पे है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, c। ये पॉइंट आपका b इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, कैसे भी फाइंड आउट कर दो या मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करो, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप में निकाल दू m, m इक्वल टू y माइनस c, y2 माइनस, ये तो होगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस c अपॉन x माइनस जीरो, यही होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी, और c भी इधर आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें m क्या है आपका स्लोप और c क्या है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना, ये फर्स्ट केस है। फिर मैं बात करूं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में लाइन को ऐसे ले, देखो इसको आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, यदि मैं टेन थीटा अप्लाई करूं तो ये एंगल थीटा हो गया, ये आपका बेस है, इसकी वैल्यू कितनी है x, और ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू टोटल y है, तो y माइनस ये कितना आपका, ये कितना है c, और टोटल y है तो टोटल y में से c को आप माइनस कर दीजिए। तो देखो मैं tan थीटा से डायरेक्ट निकालू कि m इक्वल टू tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, ये पॉइंट ले लीजिए आपका, ये पॉइंट मान लीजिए q है, और ये पॉइंट आपका ऐसे ले लीजिए, ये p पॉइंट है और ये आपका q पॉइंट है, ठीक है। देखो m इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना BQ, बेस, बेस कितना आपका AQ, यही होगा। BQ को क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल BP से माइनस करना है इस वाली वैल्यू को, Q, PQ को, PQ लिख देता हूं मैं, अपॉन में AQ, तो M इक्वल टू BP कितना है, टोटल BP आपका Y, माइनस PQ कितना है C, ये सी तो इतना, इतनी लेंथ क्या है आपकी, ये देखो इसकी इक्वल सी, ठीक है, और ये कितना एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही आएगा, कैसे भी फाइंड आउट कर लो, आपको तो माइंड में ये रखना है, ठीक है। नेक्स्ट केस आपका, केस सेकंड की बात करूं मैं, केस सेकंड देखिए, मैं एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट ले लेता हूं, ये इतना इंटरसेप्ट ए हो गई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, ये पॉइंट ए ले लेता हूं मैं ए कोमा जीरो, और ये पॉइंट में बी ले लेता हूं एक्स कोमा वाई। इसकी मैं बात करूं तो एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एम इक्वल टू इसको निकालेंगे तो वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो एक्स माइनस ए, तो यहां से इक्वेशन मिलेगी m इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना लिख सकता हूं एम एक्स, या फिर m इंटू एक्स माइनस ए, ये आपकी इसकी इक्वेशन आ जाएगी,
ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में केस फर्स्ट ये और केस सेकंड ये है। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्यू, ठीक है ना। ये आपका इसको लिख सकते हो आप स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको ऐसे लिखना। इसमें केस फर्स्ट है और केस सेकंड है, इन दोनों में आपको स्लोप गिवन है और फिर उसमें स्लोप गिवन है। अब हम ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, तो देखो थर्ड केस के अंदर क्या पढ़ेंगे, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट डाउन करना है ऐसे और हेडिंग देखिए, देखिए राम जी, इंटरसेप्ट फॉर्म डायग्राम देखिए। सबसे पहले मान लीजिए एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस में मैं ले लेता हूं, चलिए मैं ऐसे ले लेता हूं, ये पॉइंट आपका ए है। यदि ये डिस्टेंस आपकी ए है तो इसके कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो, और इस पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो इस लेंथ को मैं बी ले लूं, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, बी आपका कितना, जीरो कोमा बी, ठीक है। ये एक लाइन है, वो इस पे भी इंटरसेप्ट कर रही है, इसको भी इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये इंटरसेप्ट आपका ए हो गया, ये इंटरसेप्ट आपका बी हो गया। तो एम इक्वल टू कितना आएगा वो देखो, देखो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो पहले तो मैं एम निकाल लेता हूं, एम का फॉर्मूला ये दो पॉइंट वाली फॉर्म आएगी यहां पे, ठीक है ना। पहले मैं एम फाइंड आउट करूं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, जीरो, या फिर ऐसे ले लो आप b माइनस जीरो अपॉन में x2 जीरो माइनस a, ये आएगा। तो यहां से वैल्यू आएगी b अपॉन में माइनस a, ठीक है। अब आपको टू पॉइंट फॉर्म ध्यान में रखो, टू पॉइंट फॉर्म क्या है, टू पॉइंट फॉर्म क्या है, देखो मैंने इसको x1 और y1 लिया है और ये आपका x2 और y2 लिया है, तो टू पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है, जीरो, x इस पूरे की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस बी अपॉन में a, और x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना a, ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, ए वाई इक्वल टू माइनस बी, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू में इधर लेके आऊं, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए बी, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो कितना, ए एक्स अपॉन में ये बी और ये आपका ए, तो इसको मैं डिवाइड करूं ए बी से तो बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी, ये आ जाएगा। बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। ए और बी क्या आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म, ए और बी क्या आपके, ए तो आपका इंटरसेप्ट हो गया वो एक्स एक्सिस का, बी इंटरसेप्ट हो गया आपका वाई एक्सिस का, ठीक है। इसको भी आपको माइंड में रखना है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। पहले डायग्राम देखिए, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ है आपकी,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैं ए पॉइंट ले लेता हूं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूं पी, ठीक है, ये पी लेंथ हो गई आपकी। तो देखो, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पी कोस थीटा कोमा, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, पी साइन थीटा, ये इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। यदि मैं इस OA का लेट करके मान लेता हूं, लेट स्लोप ऑफ OA इक्वल टू M1 और फिर स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन आपकी L1, तो इसका स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L1, इसका ले लेता हूं मैं M2। अब जानते हैं कि लाइन L1 परपेंडिकुलर, या फिर ऐसे लिख दो OA परपेंडिकुलर है लाइन L1 पे, तो इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस वन होगा। अब देखो, इस लाइन की दो पॉइंट आपको गिवन है, तो M1 स्लोप में निकालूं कि स्लोप ऑफ OA निकालूं, तो फॉर्मूला अपन जानते हैं कि y2 टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 टू माइनस एक्स वन, यही होता है। तो OA का स्लोप कितना, M इक्वल टू y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है, P साइन थीटा अपॉन में नीचे कितना, P कोस थीटा, ये माइनस जीरो है, और y x1 की वैल्यू आपकी जीरो है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट जीरो कमा जीरो हो जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो M1 इक्वल टू P साइन थीटा अपॉन में P कोस थीटा, M1 की वैल्यू P से P कैंसिल आउट, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये M1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये नॉर्मल फॉर्म 2020 से 2001 वाले सिलेबस में नहीं गिवन है, आगे इन फ्यूचर आपको गिवन रहेगा, ठीक है ना, इस सिलेबस में से इसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, फिर भी देखना आप। फिर मैं M1 की वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन का यूज करूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का मैं यूज करूं, तो यहां से M2 की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने इस लाइन की स्लोप को M1 माना है और इसको मैंने M2 माना, मुझे ये लाइन चाहिए, इस लाइन के लिए पासिंग पॉइंट हो जाएगा और ये आपका स्लोप हो जाएगा, तो M2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन अपॉन में M1, तो M2 इक्वल टू माइनस वन अपॉन M1 की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर जाएगा तो कोस थीटा अपॉन में माइनस आएगा और ये साइन थीटा, ये इसके स्लोप की वैल्यू आ गई। 1.4 में जानता हूं कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है, p साइन थीटा इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, x1 की, p cos थीटा, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y साइन थीटा माइनस ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई, तो p साइन साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस cos थीटा x हो जाएगा, या फिर x को पहले ले लेता हूं मैं, x इंटू कोस थीटा, x इंटू कोस थीटा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो प्लस p कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये x इधर आएगा तो प्लस x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर आएगी और p को मैं कॉमन निकाल दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, वन, इसी को लिख सकता हूं मैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। थीटा की आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन, x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन आपका एंगल है, p क्या है,
परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है ना, ये पी आपका है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहां पे आप लिख देना कि OA कितना आपका पी है और थीटा आपका वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, तो इसको आप माइंड में रखना है कि एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है। अब आप वीडियो को पॉज करके ऐसे इसको नोट डाउन करना है और अपन चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है, देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। तो मैंने आपको बताई कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो लिख देता हूं मैं इक्वेशन ऑफ, ये फर्स्ट हेडिंग आपकी ये थी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी वाई इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड की मैं बात करूं तो सेकेंड में आपको स्लोप दे दिया, यानी एम की वैल्यू कितनी दे दी आपको 1/2, एंड पॉइंट दे दिया आपको, पॉइंट हो गया -4,3, और आपको क्या निकालनी है इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन निकालनी है। तो देखो स्लोप की वैल्यू दे दी और पॉइंट दे दिया, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आती है आपकी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये पॉइंट आपका एक्स वन हो गया और ये आपका वाई वन हो जाएगा, और ये स्लोप की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है 3, एम की वैल्यू कितनी है 1/2, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है -4, ये आ जाएगा। ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 2y-6 इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, एक्स प्लस 4, ठीक है, इस y को इधर लेके आइए या फिर पूरी वैल्यू को इधर लेके आइए, तो एक्स प्लस 4 ये 2y उधर जाएगा, तो -2y-6 उधर जाएगा, तो प्लस 6 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा x-2y+10 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये स्लोप और पासिंग पॉइंट आपको गिवन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको कि पॉइंट जीरो कोमा जीरो एंड जो स्लोप आपका है वो एम है, तब उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी। तो सेम है आपकी 1 पॉइंट फॉर्म, तो ये आपका एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, 1 पॉइंट फॉर्म जानते हैं वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। वैल्यू पुट करूं तो वाई वन की वैल्यू 0, एम की वैल्यू एम, एक्स माइनस 0, तो यहां से वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा। इस कंडीशन में इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, क्योंकि लाइन कहां से पास करेगी ओरिजिन पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम आपका यही होगा, इससे ये पास कर रही है और इसका स्लोप एम ले लिया, ठीक है। उस कंडीशन में आप सी की वैल्यू क्या करोगे 0 पुट करोगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही,